राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट से सांसद रहने का फैसला कर लिया, लेकिन सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ने रायबरेली सीट क्यों चुनी? क्या सिर्फ ये वजह है कि रायबरेली से गांधी परिवार पिछले कई दशक से चुनाव लड़ता आया है, फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के हवाले रायबरेली, यानी कि करीब 42 साल से रायबरेली संसदीय सीट से गांधी परिवार का कोई ना कोई सांसद रहा है, या फिर राहुल गांधी अपनी मां की खुशी के लिए रायबरेली को चुना है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जाता, राहुल गांधी वायनाड का प्रतिनिधित्व करते, लेकिन अब तस्वीर साफ है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनावों में जिन 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उन सीटों पर कांग्रेस के वोटों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ये वोट करीब 36% से ज्यादा है। जनता के इस प्यार की बदौलत फिर से कांग्रेस यूपी में सक्रिय राजनीति में अपने पैर पसारने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये समर्थन राहुल गांधी की वजह से ज्यादा मिला। लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। इसका प्रमाण ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद CSDS ने उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया। सवाल पूछा गया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी में से किसे होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने राहुल गांधी को 36% वोट दिया, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 32% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर समर्थन किया। मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर जनता देखना चाहती थी। वैसे ये आंकड़े सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, जहां CSDS ने एक सर्वे किया। अगर इन आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े असाधारण ही नहीं बल्कि विस्फोटक भी हैं, क्योंकि इसी यूपी ने कांग्रेस को 2014 में 2 सीटों यानी कि अमेठी और रायबरेली तक सीमित किया। इसी यूपी ने 2019 में कांग्रेस को 1 सीट पर लाकर समेट दिया, राहुल गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी यूपी ने 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 6 सीट जीतने का मौका दिया। कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था। यही वजह है कि राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट को अपने पास रखकर न सिर्फ प्रदेश और रायबरेली की जनता की भावनाओं का आदर कर रहे हैं, बल्कि अपनी मां सोनिया गांधी के उस भरोसे का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने रायबरेली को अपना बेटा सौंपा है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। वैसे कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले सातवें आसमान पर होंगे, बल्कि यूपी में इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा। जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत करने पर बल दे रही है, और समाजवादी पार्टी का यूपी में बढ़ा जनाधार किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि आज वो प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल भी है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी भी है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।